नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संगीता ब्लॉग में। कल है सतुआनी, कल है 14 अप्रैल। तो मैं कल के लिए मैं कुछ शरबत आपको दिखा रही बता रही हूँ। सत्तू, देखिए ये चने का सत्तू मैंने लिया है यहाँ पर एक कटोरी। तो कल के दिन बहुत बिहार और झारखंड की तरफ काफ़ी सारे लोग, अधिकतर लोग क्या करते हैं, सुबह सत्तू से ही शुरू करते हैं, क्योंकि अब गर्मियों की शुरुआत होने वाली है, इसलिए पेट को ठंडा कैसे रखें, इसलिए सत्तू बहुत ही ठंडा होता है और पेट को ठंडा रखता है और हेल्दी भी रखता है, भूख भी मिटाता है। तो इसलिए सत्तू का शरबत मैं बता रही हूँ। सत्तू का शरबत मैंने पहले भी 3 तरह का बताया था, आज फिर से बता रही हूँ दूसरे तरह का। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 3 चम्मच सत्तू ले लिया है। तो अब इसमें डालती हूँ मैं थोड़ा सा पानी, और इसको मिक्स करेंगे। यदि आपको गाढ़ा ज़्यादा पीना है तो और भी डाल सकते हैं। देखिए पहले थोड़ा सा सत्तू डाल करके इसको मिक्स करेंगे, नहीं तो लम्स हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पर डालेंगे बिल्कुल थोड़ी सी ये काला नमक है, और ये सेंधा नमक मैं डालूँगी थोड़ा सा। ये देखिए सेंधा नमक है आपके पास, यदि सेंधा नमक नहीं है तो आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर पुदीना का पाउडर है, मैंने घर पे बनाया हुआ है, तो ये भी डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ठंडा रखता है पेट को, और हाजमा भी अच्छा रखता है। ये देखिए हरी मिर्च बारीक कटा हुआ है, अपने टेस्ट के अनुसार डालें। ज़्यादा तीखा खाते हैं तो डालें, कम खाते हैं तो कम डालें, या नहीं खाते हैं तो नहीं डालें, लेकिन बिहार में खाई जाती है इस तरह से। और यहाँ पर बारीक बारीक चॉप किया हुआ प्याज है, तो इसे भी अपनी इच्छानुसार डालें। तो ये देखिए सबको मिक्स कर देंगे, और इसमें ठंडा ठंडा पानी डाल देंगे। इसमें कितना गाढ़ा और कितना पतला करना है अपनी इच्छा अनुसार, आपको जैसा टेस्टी लगेगा वैसा रख सकते हैं। वैसे बहुत गाढ़ी नहीं पी जाती है, पर अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा गाढ़ा भी कर सकते हैं, पतला भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिया है नींबू, इसको भी निचोड़ देंगे, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर भुना हुआ जीरा और अजवाइन का पाउडर है, ये भी पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसे भी मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारा टेस्टी टेस्टी सा, बहुत ही चटपटा सा और बहुत ही अच्छा बनकर के तैयार हो गया है। ये बिल्कुल भी पीने के लिए तैयार है। आपको और भी ठंडा करना है तो आप इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं इस तरह से, और जितना ठंडा मन करे वैसे पी सकते हैं। इसके ऊपर पुदीने की पत्तियां भी सजा सकते हैं इस तरह से, और पुदीने की पत्तियां बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। और मैंने इसमें पुदीने की पत्तियों का डाला है इसमें पाउडर। ये देखिए यहाँ पर फिर से सत्तू लेंगे। एक मैंने मीठा बनाया था पिछली बार, अभी कुछ समय पहले मैंने डाला था, तो उसमें मीठा बनाया था, उसमें आप जैसे चीनी डाला था मैंने, खांड डाला था, तो उसकी जगह पर आप शहद भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर सत्तू लिया है, और यहाँ पर डालूँगी घी। ये देखिए 1 चम्मच इसमें घी डाल देंगे, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह से भी खाई जाती है झारखंड और बिहार साइड में। और ये लिया है मैंने चीनी, खांड है ये, देसी जो खांड होता है वो वाली खांड है, वाइट वाला चीनी नहीं है। तो इसे भी डाल देंगे टेस्ट के अनुसार। और इसको मिक्स कर देंगे पहले इस तरह से। इसमें घी को अच्छे से मिक्स कर दिया है और खांड को। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, देखिए इस तरह से, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसी तरह से जौ के सत्तू होते हैं, और जौ का हो या फिर मक्के की या फिर गेहूं की, उन सब के साथ भी जिस तरह से मैंने शरबत बनाया है, पहले भी बना करके दिया है दूध के साथ, मीठा खांड के साथ और नमकीन वाला भी, वो इन सब उन सब सत्तू के साथ भी इसी तरह से बनाई जाती है। इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। ये देखिए इस तरह से डो की तरह तैयार हो गया है ये। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है, कभी बनाकर खाइएगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से लंबा कर लिया, और इसको छोटे छोटे इस तरह से तोड़ लेंगे, और
ये देखिए इस तरह से बना देंगे इसको। इसी तरह से सारे बना लेंगे। ये देखिए सारा बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी लगता है, देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सत्तू 3 चम्मच फिर से ले लिया है और यहाँ पर डालेंगे काला नमक और टेस्ट के अनुसार सेंधा नमक डालेंगे और मैं यहाँ पर डालूँगी पुदीना का पाउडर थोड़ा सा और जीरा अजवाइन का पाउडर। यहाँ पर हरी मिर्च है और ये बारीक कटा हुआ प्याज, इन सबको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे और डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसमें घी तेल कुछ भी नहीं लगता है, हेल्दी बहुत होता है, सभी लोग खा सकते हैं। हार्ट के पेशेंट जो होते हैं वो भी खा सकते हैं, सभी खा सकते हैं। मोटापा इससे कम होता है और हेल्दी भी रखता है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे चाट मसाला, इससे टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। बिना चाट मसाला का भी अच्छा बन जाएगा, पर इसको और डाल देंगे तो और चटपटा चाहिए तो डाल सकते हैं इसको। थोड़ा सूखा लग रहा है, थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं 1 चम्मच और अच्छे से डो की तरह बना देते हैं। यदि इसे भी रोल कर लेंगे और उसी तरह से इसे भी बना देंगे, जैसे मैंने मीठी वाली बनाया है उसी तरह से इसे भी बना देंगे। छोटी छोटी लोई तोड़ लेते हैं। ये देखिए मैंने नमकीन वाला भी बना दिया है, मीठा वाला भी बना दिया है। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सत्तू ले लिया है फिर से। ये छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं, यदि छोटे बच्चे हैं तो उनको भी आप खिला सकते हैं। 8-9 महीने के बच्चे हैं तो उनको भी खिला सकते हैं और उनके लिए भी बहुत ही हेल्दी होता है। अब मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सत्तू लिया है और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ शहद। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर डालेंगे पानी। मैंने शहद को इसमें मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा पहले पानी डालेंगे नहीं तो लम्स बन जाएगा, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए बच्चों के लिए भी डाइट तैयार हो गया है। अब इसमें चाहे तो आप पानी की जगह दूध भी मिक्स कर सकते थे, जैसे बच्चों को सेरेलक वगैरह देते हैं तो ये 8 से 10 महीने में दे सकते हैं और बहुत ही हेल्दी होता है, किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है। मैंने 3 तरह का वीडियो आपको पहले दिया था सत्तू का और यहाँ पर मैंने 4 तरह का बनाया है, बच्चों के लिए बनाया है और नमकीन बनाया है, यहाँ पे नमकीन और ये मीठा बनाया है। तो आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार।